ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भौतिक दुनिया में हम जब अपना जीवन बिता रहे हैं तो भौतिक दुनिया की माया शक्ति के प्रभाव से बहुत सारे चुनौतियां हमारे जीवन में होती रहती है। हमने अभी निश्चय कर लिया है कि हम भगवान की भजन करेंगे, भगवान के कृपा को प्राप्त करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा करते समय भी, भगवान का जप करते समय भी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संकट, बहुत सारे निरुत्साहित करने वाली घटनाएं होती रहती है। कभी कभी लगता है कि ये भक्ति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतने साल से कोशिश कर रहे हैं अभी भी ध्यान नहीं लग रहा है, तो कभी बीमार हो जाते हैं, तो कभी धन की समस्या आती है, तो कभी कुछ पारिवारिक संकट आता है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो भी हमारी सातत्य है हमारी भक्ति में वो टूट जाता है, खंड पड़ जाता है, फिर दोबारा उस रूटीन को, रोज के नियम को पालन करना कठिन हो जाता है, तब निराशा आ जाती है कि क्या करें। तो उस समय जब हम श्री गुरुदेव और संतों की वाणी सुनते हैं तो हमें एक नई आशा प्राप्त होती है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण की लीला या संतों के प्रवचन उपदेश सुनते रहते हैं तो कितनी भी जीवन में चुनौती आएंगी फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि निराशा में भी आशा देखने की जो शक्ति है वो भगवान की लीला में है, वो आपको निरंतर श्रवण करने से प्राप्त होती है। जैसे कि हम सुनते हैं कि कालिया के देह के पास, यमुना जी के पास जब भी बालक आए, भगवान के कृष्ण के मित्र आए और जल पिया उन्होंने, तुरंत वो सब मृत हो गए। वैसे ही अगासुर के मुंह में खेलते खेलते गए तो सब मृत हो गए। ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें केवल संकट ही नहीं है, मृत्यु हुए हैं ब्रजवासी होंगे। इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की तो इतनी भयंकर वर्षा हुई कि मृत्यु के अलावा और कुछ है नहीं उसमें विकल्प, मृत्यु ही होगी। लेकिन फिर आप देखते हैं कि जैसे कालिया के घाट के किनारे सारे ग्वाल बाल मृत होके गिर जाते हैं तो कृष्ण अपनी कृपा भरी दृष्टि उन पर घुमाते हैं, कृपा भरी दृष्टि उन पर डालते हैं और तुरंत वो सजीव हो जाते हैं। अगासुर के मुख में जाते हैं, अगासुर का वध करते हैं, सब बालकों को बाहर निकालते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, सब ग्वाल बाल पुनः जीवित हो जाते हैं। इंद्र भयंकर प्रलय काल की वर्षा संवर तक बादलों की सहायता से उनको आदेश देकर करते हैं कि ब्रज को नष्ट करो, बहुत भयंकर संकट था वो। कृष्ण ने बड़े प्रेम से गोवर्धन को उठाया और न केवल वर्षा से ब्रजवासियों को बचाया लेकिन
आनंद दिया उनको, इतना आनंद दिया कि वर्षा से जो भी कष्ट हुआ था, जो चुनौती हुई थी, जो संकट आया था, जिससे दुख हो रहा था, वो सब नष्ट होके वो भूल ही गए उसको पूरी तरह से, और उन्होंने आनंद का अनुभव किया। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है जिसमें संकट काल में भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। तो अगर हमें जीवन में चुनौतियों से बचना है या चुनौतियों से पार करना है, यशस्वी होना है, तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों की जो शरणागति है, समर्पण है हमारा, जो उसके प्रति जो भाव है, कभी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे जीवन हमारा ऊपर नीचे होता रहे, वो होता ही रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इस भौतिक विश्व में जब हम शरीर धारण करके जीवन जी रहे हैं, तो इसमें संकट निश्चित रूप से आएंगे, बुढ़ापा निश्चित रूप से आएगा, बीमारी निश्चित रूप से आएगी, धन की समस्या आएगी, पारिवारिक क्लेश आएगा, 50 प्रकार की चुनौतियां आएंगी। और वो अधिकतर सारी चुनौतियां ऐसे आती हैं जब हमको पता ही नहीं रहता, उसका प्लान करके नहीं आती वो। वे 31 मार्च को आपके घर में आर्थिक समस्या होगी, ऐसा बोल के नहीं आते, सारी समस्याएं अचानक ही आ जाती है बिना नोटिस के। तो ये बिना बताए आने वाले संकटों से बचना है तो श्री कृष्ण के चरण जो है वो कभी छोड़ने नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण के चरण पकड़ के रखने का अर्थ क्या है, कुछ भी हो जाए, भगवान नाम का जप, भगवान लीला का श्रवण, भगवान की लीला का स्मरण और भगवान के भक्तों की सेवा, चाहे जो जो कुछ हो जाए, श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो निष्ठा है उसको हमको त्यागना नहीं चाहिए। भक्तों के संग पर जो हमारी निष्ठा है उसको त्यागना नहीं चाहिए, भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो निरंतर प्रयास है हमारा, वही कृष्ण को इस बात का विश्वास दिलाता है कि ये भक्त मुझे चाहता है, और चूंकि वो मुझे चाहता है मैं भी उसे चाहता हूं, चूंकि वो मुझे नहीं छोड़ रहा है इतने कठिन प्रसंग में, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी सहारा दूंगा। तो ये आपको समझना है, निराशा तो कई बार आती है लेकिन निराशा में भी दिव्य आशा हमारे लिए उपलब्ध है श्री कृष्ण भगवान के रूप में, और उनका संपर्क और उनकी कृपा भक्तों के संग के माध्यम से प्राप्त होती है। तो लगे रहिए, निराश मत होइए, जब भी कोई संकट आता है तो ठाकुर जी उसका उपाय भी हमको ढूंढ देते हैं और उससे पार भी कराते हैं। जो समस्या आती है उससे पार कराने वाले ठाकुर जी हैं, कभी उनको भूलना नहीं, श्री कृष्ण को कभी नहीं भूले, राधा रानी को कभी नहीं भूले, तो ही हमारा सहारा है। जितने भी हम बेसहारा हो जाते हैं तो एक सहारा हमारा निश्चित है जो कभी हमको ठुकरा नहीं देगा। बाकी सब सहारे जो है वो कभी यशस्वी होंगे कभी नहीं होंगे, बाकी सहारे हमको तारेंगे नहीं तारेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक सहारा ऐसा है जो हर समय हर स्थिति में हर युग में हर जन्म में हर विविध स्थिति में निश्चित है, वो शाश्वत सहारा है। इसलिए आइए वो शाश्वत सहारा सुख में और दुख में पकड़ के रखिए, उसी का सहारा लीजिए, और यहाँ वहाँ छोटे मोटे सहारे मत लीजिए, एक ही सहारा होना चाहिए जो हर समस्या से हमको तार सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी है क्या? श्री राधे श्याम, थैंक यू वेरी मच।